हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिंस कुमार फ्रॉम भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीकर। आवर सब्जेक्ट इज ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, और उसे आप कह सकते हो क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑटोमोबाइल के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, ऑटोमोबाइल को जैसे अलग अलग बेसिस पे इसे क्लासिफाई किया गया, इनके टाइप्स को अलग अलग पैटर्न पे किया गया। जैसे कि देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ लोड, ऑन द बेसिस ऑफ व्हील, ऑन फ्यूल के बेसिस पे, बॉडी स्टाइल किस टाइप से होगा, ट्रांसमिशन सिस्टम के बेसिस पे, या फिर फ्यूल हम किस टाइप का यूज़ कर रहे हैं, इंजन की पोजिशंस क्या हैं, इन सारी चीज़ों को बेस मान के इसका डिफरेंट क्लासिफाई किया गया है इसे ऑटोमोबाइल को। जैसा कि आप जानते हो कि ऑटोमोबाइल क्या होता है, देखिए प्रीवियस क्लास में भी हमने पढ़ा था, एन ऑटोमोबाइल इज अ सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल विच कंटेन द पावर सोर्स फॉर इट प्रोपल्शंस एंड इज यूज फॉर कैरिंग पैसेंजर एंड गुड्स ऑन द ग्राउंड सच एज कार, बस, ट्रक एक्सेट्रा। देखो, ग्राउंड पे एक आप कह सकते हो एक पोजीशन से लेके दूसरे पोजीशन, एक जगह से लेके दूसरे जगह तक जाने के लिए जो हम व्हीकल यूज़ करते हैं, या फिर उसको हो सकता है कैरिंग करने के लिए पर्सन्स को कैरिंग कर रहे होंगे, है ना, और या फिर किसी मटेरियल को कैरिंग कर रहे होंगे, है ना, और एक जगह से वो दूसरे जगह उनको ले जाएंगे बाय द वे ऑफ रोड, है ना, ग्राउंड कह दो, रोड कह दो, ये चीज़ें, तो उसके क्या बोलेंगे अपन, व्हीकल्स बोलते हैं ना, या फिर ऑटोमोबाइल। अब आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक ये है कि टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल के बारे में हमें जानने हैं ना। अब देख लीजिए, इसको जो टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल का जो है, द ऑटोमोबाइल्स आर क्लासिफाइड बाय द फॉलोइंग वेज, मतलब इस ऑन द बेसिस ऑफ दिस, जैसे लोड, लोड, फ्यूल यूज, इन बेसिस पे इसे क्लासिफाई कर दिया गया है, ठीक है। जैसे वन बाय वन इसे डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ लोड की अगर हम बात कर लेंगे, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ लोड बात करते हैं, तो फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट है आपका हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल, यानी क्या हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल, जिसे शॉर्ट में HTV भी बोला जाता है, या फिर इसका दूसरा जो नाम है वो क्या है, हैवी मोटर व्हीकल, इसी का दूसरा नाम क्या है, हैवी मोटर व्हीकल, ठीक है। और सेकंड इसका जो बेसिस किया गया है, जैसे हैवी में क्या आ जाएंगे, जो भी ट्रक्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगे, ट्रक्स हैं, बस हैं, ये सारी चीज़ें हैवी के अंदर आ जाएगा, हैवी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब जैसे हम लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल की अगर हम बात कर लें, तो लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी भाई, लाइट में जैसे कार हो गए, नैनो कार हो गए, छोटी जो भी छोटी मोटी गाड़ियां हैं वो सारी इसमें आ जाएंगी, और इसी का दूसरा नाम क्या है, लाइट मोटर व्हीकल, ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट बेसिस इस पर क्लासीफाई किया गया इसे, वो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ व्हील्स, सॉरी ऑन द बेसिस ऑफ व्हील की बात कर लेते हैं। अब इसके अंदर इनके व्हील के अकॉर्डिंग इसे क्लासिफाई किया, जैसे टू व्हील है, फर्स्ट जो है आपका टू व्हील है, टू व्हीलर व्हीकल्स। अब टू व्हीलर व्हीकल्स में आप लोग भी जानते हैं कौन कौन सी चीज़ें आ जाते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए स्कूटर, मोटरसाइकिल, स्कूटी, है ना, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये टू व्हील्स के अंदर आते हैं। और अगर हम इसी के बाद देखें, अगर थ्री व्हील्स की हम बात करें, थ्री व्हील व्हीकल्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी भाई, एग्जांपल के तौर पे ऑटो, है ना, ऑटो रिक्शा जो आते हैं वो उनमें थ्री व्हील होते हैं ना। नेक्स्ट है आपका फोर व्हील स्कूटर फॉर हैंडी, सॉरी थ्री व्हील स्कूटर फॉर हैंडीकैप। आपने देखा होगा हैंडीकैप के जो स्कूटी होती है उसमें तीन व्हील लगे होते हैं, ठीक है, तो एक तो वो हो जाएंगे अगर थ्री व्हील की बात करें, और बाद की बात है जैसे टेम्पो है, ऑटो रिक्शा, ये सारी थ्री व्हील्स के अंदर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है फोर व्हीलर व्हीकल्स, है ना,
फोर व्हीलर व्हीकल्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, जैसे कार हो गया, जीप हो गया, ट्रक्स हो गए, बसेस होंगे, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाएंगी? फोर व्हीलर्स व्हीकल्स के अंदर। नेक्स्ट जो है आपका सिक्स व्हीलर व्हीकल्स की बात अगर हम कर लें, ठीक है, जो सबसे हैवीएस्ट गाड़ी जो है, सबसे हैवीएस्ट गाड़ी होगी ना, वो इसी के अंदर आती है, सिक्स व्हीलर्स व्हीकल्स के अंदर, या फिर इससे मोर देन। ठीक है, अब देखिए, फॉर एग्जांपल के लिए देख लो, बिग ट्रक्स विथ टू गियर एक्सल, और इसके अंदर जो गियर एक्सल के एक्सल किसने कितने होंगे, नंबर्स ऑफ गियर एक्सल्स दो हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल यूज्ड। नेक्स्ट जो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल यूज्ड की बात कर लें अपन, तो अगर हम फ्यूल यूज़ करने की बात करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें आते हैं, देखिए, पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिकल से भी चलते हैं, स्टीम से, गैस से, है ना। अब ये इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे अगर हम पहले पेट्रोल की बात कर लेते हैं, हम फर्स्ट में पेट्रोल की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, पेट्रोल के अंदर कौन कौन सी है आपका, पेट्रोल के अंदर है मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। इसके अंदर कौन सा फ्यूल यूज़ करते हैं अपन, पेट्रोल का। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है डीजल, अगर हम डीजल इंजन की बात करें, है ना, डीजल व्हीकल जिसके अंदर डीजल इंजन हम यूज़ करते हैं, है ना, और उसमें जो फ्यूल रहेगा वो क्या रहेगा, डीजल रहेगा, तो क्या क्या चीज़ें हैं, ट्रक्स, बसेज एक्सेट्रा, ये इन चीज़ों में क्या होती हैं, मैक्सिमम डीजल इंजन यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत सारे कार्स में भी डीजल इंजन यूज़ करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है ना। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जो यूज़ होती है वो ट्रक्स बसेज में यूटिलाइज होते हैं। नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल विच यूज़ बैटरी टू ड्राइव। देखिए, नेक्स्ट जो है अगर हम इसकी बात करें, इस पे किस पे चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी पे। ठीक है, जो कि किसकी हेल्प से मिलेगा अपने को, बैटरी की हेल्प से, हमने ना बैटरी को पहले चार्ज करेंगे, चार्ज करने के बाद उसका उससे कनेक्टेड जो मोटर शाफ्ट मोटर होगा, मोटर से शाफ्ट कनेक्टेड होंगे, उसके थ्रू अपन इनको यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल को। ठीक है, नेक्स्ट जो है स्टीम व्हीकल्स की अगर हम बात कर लेते हैं, एन इंजन विच यूज्ड स्टीम इंजन। देखो, अगर स्टीम व्हीकल की अगर हम बात करते हैं, उसमें क्या होगा, स्टीम इंजन को हम यूटिलाइज करके फिर उससे जो अपने पास व्हीकल्स बनेंगे उसे हम क्या बोल देंगे, स्टीम व्हीकल्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका गैस व्हीकल। गैस में कौन कौन सी आ जाती हैं, LPG हो गया, CNG हो गया, यह सारी गैस के अंदर हम इनका यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसके अंदर जो है एक जो पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ हम अगर फ्यूल इसकी बात कर रहे हैं ना, अगर हम गैस व्हीकल की बात करें, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें, LPG, CNG और LPG क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना। अब CNG क्या है, ये नेचुरल गैस है, कौन से नेचुरल गैस है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है ना, जिसको यूटिलाइज करके हम जैसे अभी थ्री व्हील्स के अंदर, जैसे आपने ये चीज़ें देखा, टेम्पो, ऑटो रिक्शाज में इनको यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं इन गैसें, CNG और LPG का। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ स्टाइल, है ना, बॉडी की अगर हम स्टाइल की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी स्टाइल्स, इसमें लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था उसमें भी ये चीज़ बताई गई थी, सेडन हैचबैक कार है, ये किसके ऊपर बेस्ड है, मैक्सिमम स्टाइलिश कार्स हैं ये, इसके अंदर आती हैं, जैसे कूपे है, कूपे कार, स्टेशन वेगन्स की बात कर लेते हैं, या फिर वैन स्पेशल पर्पज व्हीकल की बात करें तो ये किसके अंदर आ जाए, ये सारी जैसे, है ना, अगर हम वैन स्पेशल पर्पज़ की बात कर ले तो उसके अंदर क्या क्या आता है, एम्बुलेंस,
मिल्क वैन, ये सारी किसके अंदर आ जाएगी, वैन स्पेशल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका हम एक बार इसको फिर से देख लेते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ स्टाइल की बात कर लेते हैं, किसके क्या सेडन हैचबैक कार आ गई, ठीक है, कोपे कार, स्टेशन वेगन। ठीक है, नेक्स्ट वन जो आता है एसी के अंदर क्या आता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ आ रही थी, एम्बुलेंस आ गया, मिल्क आ गया, मिल्क वैन जिसे है ना, मिल्क ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसका यूटिलाइजेशन करते हैं अपन। और अगर ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन की बात कर लें, कौन कौन सी है, कन्वेंशनल व्हीकल विथ मैनुअल ट्रांसमिशन, और इसमें जैसे पांच गियर हैं, अलग अलग गियर का यूटिलाइज करके आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हो इजीली। और सेमी ऑटोमेटिक में आपको एक दो यूज़ करनी पड़ती है, बाद में वो ऑटोमेटिक हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट जो है ऑटोमेटिक के अंदर क्या है आपका, ऑटोमेटिक के अंदर है इसमें आपको गियर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और इस ये जो होगा आपके एस्केलेटर पे डिपेंड करेगा, जितनी ज़्यादा एस्केलेटर आप इंक्रीज कर बढ़ाओगे इसकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये उस पे बेसिस है। और हम ये जो लास्ट पढ़ रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ ड्राइव की बात कर रहे थे, तो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड ड्राइव, और अपने इंडिया में कौन सा यूटिलाइज होता है, राइट हैंड ड्राइव यूज़ करते हैं अपन, है ना। नेक्स्ट जो है ऑन द बेसिस ऑफ ड्राइविंग एक्सल, है ना, हम अगर हम एक्सल की बात कर लें तो कौन कौन सी चीज़ें हैं। अब देखिए, एक हो जाता है फ्रंट एक्सल, ठीक है, रियर एक्सल, ऑल व्हील, है ना, ऑल व्हील ड्राइव। एक सेकेंड, इसमें इसके अंदर कौन कौन सा है, फ्रंट व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव के अंदर कौन, किस बेसिस पे किया गया इसको, ड्राइविंग एक्सल्स के बेसिस पे से क्लासिफाई किया गया। नेक्स्ट जो पार्ट है आपका पोजिशन ऑफ इंजन की अगर हम बात कर लेते हैं, पोजिशन ऑफ इंजन में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, पोजिशंस ऑफ इंजन के अंदर आ रही है इंजन इन फ्रंट एंड इंजन इन रियर साइड, है ना। देखिए इंजन की बात करो, एक तो या तो ये फ्रंट में होगा या फिर रियर में होगा। अगर हम बात कर लेते हैं फ्रंट में, मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स हैव इंजन इन फ्रंट, इन द फ्रंट मैक्सिमम में आपको फ्रंट में ही इंजन रहते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द, अगर हम एग्जांपल देखें मोस्ट ऑफ द कार की अगर हम बात कर लेते हैं, उसके अंदर क्या होगा, फ्रंट आपके इंजन्स जो होंगे वो फ्रंट में ही होंगे। और इंजन इन रियर साइड की अगर हम बात करें, कुछ कार्स में होती है, जैसे अभी नैनो कार की बात करें, इनमें क्या था कि रियर पीछे की साइड में आपके इंजन यूज़ कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ है हम इसमें जो पढ़ने वाले हैं वो ये है कि देखिए, अब ऑटोमोबाइल्स के जो जैसे कार्स के अलग अलग, जैसे आपने चेसिस पढ़ा, फ्रेम पढ़ा है ना, बॉडीज़ पढ़ी है ना, तो वो तो इनसाइड हो गई, इनसाइड की बात है ना। अगर हम आउटर साइड की अगर हम बात कर लें एक तरह से ना, कि कार के आउटर साइड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें अभी हम इसमें देख लेते हैं, है ना। इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे नीचे की ओर एक शील्ड है ना, शील्ड क्या करेगा उसे एक तरह से कह सकते हो, शील्ड अगर टेक्निकली देखा जाए तो एक तरह से बॉन्डेड है ना, उनको बॉन्डेड करेगा, है ना, एक तरह से प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। ठीक, देख, और ये जो बम्पर है ना, बम्पर और शील्ड है ना, बम्पर और शील्ड में ये है, जैसे देखे बम्पर है ना, बम्पर इसको तो यहाँ से अगर किसी से आगे या पीछे दोनों ही साइड लगे होंगे बम्पर, है ना। अब क्या होगा, किसी जब भी ये टकराएगा किसी भी चीज़ से, तो ये बम्पर क्या करेगा, उसे प्रोटेक्ट करेगा, और शील्ड क्या करेगा, दोनों बॉन्ड करेगा, उन चीज़ों को बॉन्डेड रखने की कोशिश करेगा, और एक तरह से कह लो कि दो पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए भी कह सकते हो, है ना। और दूसरी जो चीज़ है, अगर उसमें कोई चीज़ें जा रही है, है ना, ये स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल बनाने का काम शील्ड का ही है। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये हो गया, ये ग्रीन कलर का जो है पार्ट है ना, लाइट है ना, हेडलाइट के जस्ट पास में अगर बोलते हो, है ना, ये क्या है आपका इंडिकेटर लाइट, अगर आपको लेफ्ट जाना है राइट जाना है इसी के थ्रू अपन शो करते हैं। ठीक है,
फिर लाइसेंस प्लेट नीचे की ओर लगा हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे आपका आपके कार्स के जो भी कार्स वगैरह के नंबर हैं वो यहाँ पे लगाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बम, जैसे मैंने बताया था, बम्पर दोनों साइड होंगे प्रोटेक्ट करने के लिए, जब भी कार वगैरह किसी के साथ टक्कर हो रहा है तो उस कंडीशन में। अब ये हेडलाइट हो गया, हेडलाइट मतलब नाइट कंडीशन में हमें रोशनी की रिक्वायरमेंट होगी तो उसके लिए हेडलाइट है यहाँ पे, ये वाइट कलर का दिख रखा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट जो है हुड, अब देखिए हुड क्या है, हुड, अब देखिए हुड जो है ये जो पोर्शंस है ये सारा का सारा, जैसे इंजन का एक तरह से कह लो कि कवर है ना, इसको कवर करने का काम ये करेगा, है ना। अब देखो विंडो शील्डेड वीपर, अब देखो इसके जैसे विंडो को शील्ड करने के लिए इन पोर्शंस पे जो लगाएंगे ना वीपर, अब इनको प्रोटेक्ट, अब जैसे बारिश के टाइम पे इसे अब हमें दिखने नहीं लग जाता है तो उसके लिए हम इसका यूटिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है आउटसाइड मिरर, वो इस पोजिशन पे है, विंडशील्ड है ना। अब विंडशील्ड यहाँ पे देखिए, यहाँ एक तरह से यहाँ पे कह लो कि आप देखो ये जो पोर्शंस है ना, अगर हम शील्ड की बात कर लेते हैं, देखिए ये वाला पार्ट ठीक है, ये आपको एक तरह से इसको सील्ड कर रखा है ना, बंद कर रखा है, ठीक है, वही है इनको, वही उसी को कहते हैं विंडशील्ड बोल रहे हैं ना। और नेक्स्ट है सनरूफ हो गया, यहाँ पे आप कह सकते हो हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए, आपको गाड़ी के अंदर वो सनलाइट का यूटिलाइज करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। रूफ हो गया इसकी छतें, ये वाला पोर्शंस, ट्रंक, ये बैक साइड हो गया इसके, है ना, बैक साइड्स में जो जैसे इसके इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जैसे कहते हो ना डिक्की के ऊपर वाले पार्ट को, टेल लाइट हो गया पीछे वाली लाइट, ठीक है। नेक्स्ट आपके हैं, अब ये बैक, एक तो यहाँ पे एक बैक फेंडर है और एक यहाँ पे फ्रंट फेंडर, ये एक तरह से कह सकते हो कि इनको सपोर्ट है ना, सपोर्ट प्रोवाइड फेंडर। ये देखो जैसे व्हील्स है ना, व्हील्स के जस्ट ऊपर वाला पार्ट जो है, व्हील्स के जस्ट ऊपर वाला पार्ट है ना, इसी को क्या बोलते हैं हम फेंडर। और ये एक फ्रंट हो गया, एक दूसरा जो है एक रियर हो जाएगा, ठीक है, दोनों व्हील जैसे चारों व्हील्स के ऊपर जस्ट ऊपर जो कवर चढ़ा हुआ रहता है वही है। नेक्स्ट है अगर हम विंडो यहाँ पे देख लें, विंडो की बात कर लें, ये आपका विंडो हो गया। अब विंडो में भी है अलग अलग, जैसे एक क्वार्टर विंडो हो गया यहाँ पे छोटा वाला, और ये दोनों जो है विंडो 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 के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। डोर की बात करें, इसमें अगर दो डोर हैं तो ये फर्स्ट ये हो गया, ये सेकेंड वाला हो गया, ठीक है, जिसके ऊपर विंडो प्लस क्वार्टर विंडो दोनों ही लगा हुआ है। और आउटसाइड मिरर है ना, ये यहाँ पे आपका आउटसाइड मिरर है। और अगर डोर हैंडल यहाँ पे आपके ये ब्लैक कलर का जो मेंशन हो रखा है वो डोर हैंडल है। ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको देख लीजिएगा एक बार, इसके अंदर ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट है, कौन सा पार्ट कहाँ पे है। जैसे इससे पहले हमने जो पढ़ा था फ्रेम बॉडी चेसिस, ये इंटीरियर पार्ट था और ये आउटसाइड का ऑटोमोबाइल का पार्ट है अगर हम एक कार की बात करें तो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।